पठानकोट के ढाकी रोड पर बनाने वाले फ्लाईओवर को लेकर शहरवासियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अमित विज ने ढाकी फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का जायजा लिया और काम में हो रही देरी को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के सिर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा 60 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले फ्लाईओवर का काम ज्यादातर खत्म किया जा चुका था, जो कि सिर्फ अगले 3-4 महीनों में पूरा हो जाना चाहिए था, मगर नई बनी पंजाब सरकार के कार्यकाल को अब 2 साल का समय होने को आया है, मगर फ्लाईओवर का काम शायद ही अगले 2 सालों में भी पूरा होता दिखाई नहीं पड़ता। तो फिर बजट मंजूर करा के, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट डेविजन पॉलिसी तो इसको मंजूर करवा के रेलवे को मंजूरी करानी बड़ी होती है। फिर दसिया किसी ने नहीं, मैं फिरोजपुर भी तोड़िया, फिर दिल्ली भी तोड़िया, क्योंकि तो पुराने लिंक्स भी सी मेरे। फिर तुम देख रहे हो सब तो औखा काम है, NHAI ना कनैक्ट करना नाल डिफेंस है, फिर नॉर्मली स्टेट हाईवे ना कनैक्ट नहीं करते। मेरे परमात्मा दया 18-20 साल दिल्ली काम किया, तो कुछ रिलेशन से अफसर ने समझिया सारे शहर की प्रॉब्लम, जो मैं जाके दसिया की है प्रॉब्लम हैगी है, इस तरीके नाल सारा दिन चौक रहा शहर, तो उन्होंने मंजूरी दी। वो मैं डिटेल च नहीं जाना चाहता किस तरह किया की नहीं किया, मगर इन्ना जरूर है कि जो करोना भी आया उस मैंने काम रोकया, 60 करोड़ का मंजूरी है बजट। यह प्रोजेक्ट जो लास्ट साडा इलेक्शन होया 70% काम है खत्म हो गया। सब तो इंपोर्टेंट काम हो रहा है अप्रूवल्स का, चाहे नैशनल हाईवे की है, चाहे पिलर्स की ड्रॉइंग की अप्रूवल है, वी ऑफिसर साइन करते हैं, चाहे कोई भी है, सारे अप्रूवल लैके दिखे, सारे अप्रूवल लैके देखिए ना सारे। मेरे हिसाब नाल जे मैं हुंदा सिर्फ 4 महीने का काम से, क्योंकि यह डे एंड नाइट काम करने वाला, हूँ ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले ने, जनवरी जो कोड लग जाना सरकार दे, तो 2 साल चले जाने, हजे भी जिस तरीके नाल काम चल रहे हैं, मैं लगता इन्होंने कह तो 6 महीने रहे ने, इन्होंने साल होने ला देना। मैं मोनीटर करा, कुछ टैक्नीकल इशूज है मैनू जहाँ लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे ने, क्योंकि पुराने अफसर सी टैक्सीन साहब उन्हों की डैथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, वो शायद होंगे तो चीज़ा ज़्यादा थोड़ी एक्सपेडाइट होगी, क्योंकि उन्होंने इंटीग्रिटी इस प्रोजेक्ट की पता थी। तो मैं ही गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करा कि इस प्रोजेक्ट में फैसिलिटेट कराओ, इनू जल्दी कराओ, दुकानदारों का हालत देखो, लोगों के काम रुके देने नाल साडा शहर, जिस दिन फ्लाईओवर चलिया साहब इस इलाके की ग्रोथ बहुत अगर जा रही है, जी फ्लाईओवर लेट नहीं हो रहा साढ़े शहर की, साड़ी मंडी की, साढ़े इलाके की ग्रोथ लेट हो रही है। जो 2-1 साल पहले बनता तो हो सकता है साढ़े इतने ग्रोथ 4 फास्ट होगी। 1 इशू, आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू काइंडली प्लीज़ प्रायोरिटाइज दिस प्रोजेक्ट, फैसिलिटेट दिस प्रोजेक्ट, इट इज़ ओनली 2-3 मंथ्स वर्क लेफ्ट। जो तुम फिर साल इतने लगा दोगे तो फिर मैं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, या समझ की प्रॉब्लम है, या इंटेंशन की प्रॉब्लम है, या प्रायोरिटी की प्रॉब्लम है। इसे प्रायोरिटाइज करो, इनू समझो प्रॉपरली, तो इनू प्लीज़ जल्दी करवाओ। सैकेंडली LHS की इतने कोई लोड़ नहीं है, सरकार रेलवे को सी मंजूरी ली, रेलवे का एको कंडीशन से, और मैं 60 करोड़ मंजूर कराए दा रेलवे की कॉन्ट्रीब्यूशन। सिर्फ मैं बार बार डिटेल से दस रहा ताकि दुकानदार भी समझ लें, शहर के लोग भी समझ लें, ढाकी के लोग भी समझ लें, तो ऑफिसर्स नए आए हैं उन्होंने पुरानी चीज़ा नहीं पता होनी, वो भी समझ लें। यह 60 करोड़ का मैं प्रोजेक्ट अप्रूव कराया सी, नॉर्मली 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होंगी है। मैं इस प्रोजेक्ट विच सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ 12 या 14 करोड़ रुपया पैन, बाकी सारा स्टेट गवर्नमेंट का, जो असी मंजूर करा के पैसा दवा के दें, काफ़ी पेमेंट भी हो गई। ये सैकेंड इशू की सी, नॉर्मली जो रेलवे का, मैं ऑफिसर्स SC साहब को स्पैशली कहना चाहना, सीनियर मोस्ट उ ही रहने ने, फिर एक्सिन साहब PWD के होने ने, SC साहब यह प्रोजेक्ट चैक करा लो, फाइल्स देख लो, नॉर्मली ताड़ा काम आसान कर गए दा, नॉर्मली रेलवे ते काम पोर्शन, रेलवे पोर्शन का काम रेलवे करती है, और स्टेट गवर्नमेंट का पोर्शन का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। यह पहला प्रोजेक्ट सी पंजाब का जिसे मैं रिक्वेस्ट करके अपने सैकटरी PWD गवर्नमेंट नूं, ईवन रेलवे ऑफिसर का मैं शुक्रिया अदा करना उन्होंने, यह पहला प्रोजेक्ट है जिहड़ा पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट नूं मिले कि तुसी कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जी रेलवे लाइन क्रॉस करनी है,
ਇਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਗਏ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੇਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CP1 ਪਿਲਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਬਲਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਵਾ ਕੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰੋ। LHS ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ, ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। LHS ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ, LHS ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। LHS ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ LHS 'ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਡਿਫੀਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LHS ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ LHS ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਆਈ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫ ਪਠਾਨਕੋਟ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨੈਗਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਗਲਤ, ਆਪ ਸਰਿਆ ਜਨਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਬਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਾਸਪਿਟਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਕਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।